ग्वालियर सीपरी हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस वक्त चेकिंग पॉइंट पर लगे हुए हैं हमारे ग्वालियर के सभी पुलिसकर्मी, डॉक्टर, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, जो इस वक्त कोरोना जैसी संक्रमित महामारी बीमारी को लेकर कोई ग्वालियर प्रवेश न करे, इसी क्रम से वह चेकिंग पॉइंट लगाकर सभी को जांच कर ही ग्वालियर में प्रवेश कर रहे हैं और कोई ग्वालियर से सीपरी हाईवे रोड पर बाहर ना जा सके इसको भी पूरी तरह से चेक कर ही ग्वालियर से बाहर जाने दे रहे हैं। मुस्तैदी से कर रहे हैं यह पुलिस जवान ड्यूटी, कहीं डॉक्टर भी पूरी भूमिका निभा रहे हैं और क्षेत्र के पटवारी, आरआई, तहसीलदार सभी अपनी अपनी भूमिका में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चल रही यह चेकिंग बहुत ही मुस्तैदी से चल रही है, किसी भी तरह की कोई भी चूक के कारण इसमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपने काम में मुस्तैदी से लगे हुए हैं, पॉइंट पर खड़े हुए हैं। यह मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि ग्वालियर को अन्य शहरों से जोड़ता है। यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी उसी दिन से चालू है जिस दिन से कोरोना वायरस का शहर ग्वालियर के अंदर दाखिल हुआ है। यहाँ पर यह चेकिंग की जा रही है कि कोई गाड़ियों में छुप करके कोई संदिग्ध मरीज, कोई कोरोना का वायरस का पीड़ित यहाँ पर ना आए, इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से यहाँ मौजूद है। हमारे साथ हैं श्री सुमन पालिया जी जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और यहाँ चेकिंग में मुस्तैदी से लगी हुई हैं, उनसे जानते हैं क्या। जी मैडम, ये बताइए कि यहाँ पर जो पुलिस की चेकिंग लगी हुई है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि कोई भी अज्ञात व्यक्ति या कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति, अगर वो संदिग्ध है या बाहर से आ रहा है, तो उसको अंदर प्रवेश न देने दिया जाए। पहले उसका नाम पता यहाँ पे नोट किया जाए, यहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी है, पहले उसका चेकअप यहाँ करवा दिया जाए और अनावश्यक कोई बाहर का व्यक्ति ग्वालियर में अंदर प्रवेश ना कर। आज ग्वालियर के अंदर केवल दो पेशेंट जो हैं वो कि भोड़ापुर से कुछ ट्रक ड्राइवर में होकर के आते, तो ये इस समय अपने आप को बचाना एक पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम खुद इस वायरस से संक्रमित ना हों। इसके लिए क्या उपाय यहाँ पर पुलिस जवानों के लिए किए गए हैं? सभी के लिए मास्क हैं और सैनिटाइज़र लगातार यूज़ करते रहो और अपने फेस को और हाथों को अच्छे से कवर करना। जी, आप शासन से कुछ ऐसे ही क्या उम्मीद करते हैं शासन से कि वो पुलिस जवानों के मनोबल बढ़ाने के लिए क्या प्रयास और करने चाहिए उन लोगों को? वर्तमान में भी काफ़ी अच्छे प्रयास हैं, ये कि ड्यूटी का शेड्यूल जो है और उनके मनोबल के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी जो गाइडलाइन दिए जाती है, समय समय पर आदेश निकाले जाते हैं, उससे भी हमें काफ़ी सारी इस तरह से कि किस तरह से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, वो सारी गाइडेंस पुलिस अधीक्षक के माध्यम से या फिर डॉक्टरों के माध्यम से हम तक पहुंचाई जाती है। तो आप मेरे साथ देख रहे थे ग्रामीण के हक में, हम लोग गांव दर गांव घूम करके यह कोशिश करते हैं कि हम वास्तविकता जो है वो अपने दर्शकों को दिखा सके। राठौड़ जी, राठौड़ साहब, यहाँ पर जो मोहना के आगे जो टीकला पर पॉइंट लगाया गया, किस मकसद से यह लगाया गया? ये चेक पॉइंट करने के लिए, जो लोग गाड़ियों से परमिशन ले लेके आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को छोड़ा जा रहा है और जो इमरजेंसी जो मरीज हैं उनको छोड़ा जा रहा है, बाकी किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ से वापस लौटाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अगर कोई संदिग्ध अगर नज़र आता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया? उसके लिए हम यहाँ से है ना एंथनी स्कूल भेजते हैं, वहाँ पे टीम लगी हुई है, वहाँ से ग्वालियर के जाते हैं और जो संदिग्ध होता है उनके है ना टेस्ट लेके उनको वापस। जो